ये रीति है शादी के बाद पत्नी के कुछ संस्कारों में पति के बाएं ओर बैठने की, उसके वामांगी कहलाने की और कुछ संस्कारों में दाईं ओर बैठने की। हमारी संस्कृति में शादी एक बहुत बड़ा संस्कार है। ये सिर्फ दो लोगों और उनसे जुड़ा रिश्ता नहीं है, ये दो परिवारों का भी मेल है। शादी के साथ और शादी के बाद शादी के बंधन में बंधने वालों का पूरा जीवन बदल जाता है। कुछ रीतियां ऐसी होती हैं जो उनका जीवन के प्रति नजरिया भी बदल देती हैं। कुछ रीतियों से नई जिम्मेदारियां बन जाती हैं जिनसे उनके आने वाले भविष्य की नींव पड़ती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब घर में पूजा होती है तब आपकी माताजी आपके पिताजी के दाईं ओर ही क्यों बैठती हैं? या आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी पूजा पाठ में आपके दाईं ओर क्यों बैठती है? और जब पूजा समाप्त हो जाती है तब पंडित जी आशीर्वाद देने के लिए पत्नी को पति के बाईं ओर खड़े होने के लिए क्यों कहते हैं? जब नई दुल्हन का ससुराल में गृह प्रवेश होता है तब उसे दूल्हे के बाईं ओर क्यों खड़ा किया जाता है? क्या ये सब बस यूं ही है या इसके पीछे कोई बड़ी बात, कोई रहस्य छिपा है? तो आज इस रीति का इतिहास समझेंगे, इसके सामाजिक आयाम तलाशेंगे और कुछ नया जानेंगे। इस रीति से पहले आइए सुनते हैं इस सृष्टि की शुरुआत की कथा। स्त्री और पुरुष के द्वारा इस सृष्टि के निर्माण से पहले उनकी उत्पत्ति की कथा। इस सृष्टि की रचना तीन देवों यानी त्रिदेवों ने की है, ये तो सब जानते हैं। इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ये त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी के जिम्मे सृष्टि का सृजन यानी सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर उसमें सदा कुछ नया जोड़ते रहना है। विष्णु जी की जिम्मेदारी सृष्टि का पालन करना है, सबके जीने लायक वातावरण बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है। शिव संहारक हैं, जो समय पूरा होने पर प्रकृति के चक्र को बनाए रखने के लिए संहार करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था। भगवान शिव आदि देव हैं, सबसे पहले वही अवतरित हुए थे। इन तीनों के अलावा कोई भी नारी सृष्टि में नहीं थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं तो उनका जीवन खत्म होते ही नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। बहुत सोच विचार के बाद भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब अपनी समस्या के समाधान के लिए वो शिव की शरण में गए। भगवान शिव उस समय गहरी समाधि में लीन थे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा के कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से तपस्या करने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी बनाई सृष्टि का विकास होता रहे, ये आगे अपने आप बढ़ती रहे, क्योंकि यदि ऐसा ना हुआ तो मेरा कार्य कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तब भगवान शिव ने उनकी इस परेशानी का हल देने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इस रूप में उनके दाएं भाग में वे स्वयं और उनके बाएं भाग में देवी सती थी। ये स्वरूप देखकर भगवान ब्रह्मा जी को स्त्री की उत्पत्ति का विचार आया और उन्होंने फिर मैथिनी सृष्टि की रचना की और इस तरह स्त्री और पुरुष के मिलने से ये सृष्टि आगे बढ़ी। क्योंकि माता सती शिव जी के बाएं भाग से प्रकट हुई थीं, इसलिए उस दिन से स्त्री को वामांगिनी कहा गया। कहा जाता है कि इससे प्रेरणा लेकर ब्रह्मा जी ने अपने दाएं कंधे से पुरुष और बाएं कंधे से स्त्री की उत्पत्ति की। ये तो हुई पौराणिक कथा की बात। अब जानते हैं कि इस रीति के पीछे के धार्मिक कारण क्या है। इस रीति की गहराई समझने के लिए इस श्लोक का अर्थ समझना पड़ेगा। ये श्लोक इस तरह से है, वामे सिंदूर दाने च वामे चैव द्विरागमने वामे शयनैक श्याम भवे जाए प्रियार्थिनी आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालेन तथा शयने भोजने चैव पत्नी तूत्तरतो भवेत। इसका अर्थ है कि सिंदूर दान द्विरागमन के समय भोजन, शयन, सहवास, सेवा तथा बड़ों से आशीर्वाद लेते समय पत्नी को
पति के बाएं तरफ रहना चाहिए और कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, पूजा या अन्य धर्म कर्म के कार्यों में पत्नी को सदैव पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। इस मान्यता के पीछे तर्क ये है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि सभी सांसारिक कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह ये सभी काम धार्मिक या पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है, इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने का नियम है। अब एक और बात की गहराई समझते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में शिव को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। वे रूप और शक्ति में, गुणों में सबसे ऊपर है, संपूर्ण है, एक आदर्श पुरुषत्व के प्रतीक है। लेकिन यही शिव जब अपना आधा शरीर स्त्री का बना लेते हैं तब उनका आधा भाग एक पूरी तरह विकसित स्त्री का होता है, तब स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। अगर भगवान शिव को माता पार्वती को अपने शरीर में स्थापित करना है तो उन्हें अपना खुद का आधा भाग छोड़ना होगा, यानी अपना अहम छोड़ना होगा। इसीलिए विवाह के दिन से वर वधु को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दोनों अपने आप को एक दूसरे से मन, वचन और कर्म के साथ माने और दोनों के बीच बराबरी का रिश्ता हो। आप अपनी सभी धार्मिक पूजाओं को देखें। यदि कोई जोड़े में है, मतलब शादीशुदा है, तब उसका कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के पूरा नहीं माना जाएगा। कोई कितना भी विधि विधान से पूजा करे, लेकिन यदि पत्नी या पति के होते हुए उन्हें शामिल नहीं किया तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यही बात तीर्थ यात्रा के लिए भी है। अगर आप जोड़े में हैं, तब एक साथ तीर्थ यात्रा करने से ही फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जब ये रीति रिवाज बनाए गए उस समय धर्म कर्म पर बड़ा जोर था। लोग जीवन जीते ही इस तरह से थे कि अंत में मुक्ति या मोक्ष मिल जाए। इसीलिए इन कामों में स्त्री का सहयोग जरूरी कर दिया गया, ताकि इस बहाने ही सही पुरुष उनका महत्व समझें और उन्हें वो सम्मान मिलता रहे जिसकी वे हकदार हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें एक दूसरे के लिए सम्मान उतना ही जरूरी है जितना कि आपसी प्रेम। कई लोग रीतियों को पूरी तरह से ना समझते हुए उन पर अपना निर्णय सुना देते हैं कि ये दकियानूसी है या अब इनका कोई महत्व नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर इनमें छिपा अर्थ देखने की कोशिश करें तो बहुत कुछ ऐसा है जो न सिर्फ पुराने बल्कि हर वक्त की जरूरत है। रीतियां किसी को छोटा या बड़ा नहीं करती, ये जीवन में बैलेंस की बात सिखाती हैं, बशर्ते हम सीखना चाहें।